टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ट्वेंटी टू बी ऑफ चैप्टर ट्वेंटी टू हाइट एंड्रॉम सेलिना कंसाइज फॉर क्लास टेंट इन दिगर गिलो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रो द फिगर ए बी नेमिंग की हुई है ऑलरेडी सी डी दिस इज गिवन थर्टी मीटर दिस इज फोर्टी फाइव दिस एंगल इज थर्टी ये बच्चे एक्स मार्क किया हुआ है उन्होंने ठीक Table है फाइंड एक्स विदाउट यूजिंग टेबल्स टेबल का यूज किए बिना टेबल का मतलब जो पीछे टेबल दिए उसका बच्चे आ, यहां पर दो राइट एंगल्स दिख रही है तेरे को बोलो बेटा yes. अब दूसरा जो जो फंडा फर्स्ट एक्सरसाइज थी एक ही फंडे पे बेस्ड थी कि जो साइड फाइंड करनी है ऊपर रख लो जो गिवन है वो नीचे ले लो अब दूसरा फंडा क्या है अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में कॉमन साइड या इक्वल साइड कौन सी है अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी है यहाँ पे a c b n a d b हाँ दोनों में कॉमन साइड कौन सी है a b a b दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से a b फाइंड कर ले तो इसको बच्चे मैं लेट कर लेता हूं y ये कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी 30 plus y ये होगा ना बोलो यस yes. अब देखो मैंने लाइन के कर रहा हूं तूने नीचे करना है जो यहाँ पे करूंगा ना मैं पार्ट वन तूने नीचे करना है मुझे यह है, तुझे फिगर दिखती रहे प्रॉपर वे से लिख के इंटर एंगल एबीसी राइट एंगल मतलब जो कॉमन साइड है वो ऊपर रख लो ए बी अपॉन बी सी ए बी परपेंडिकुलर है बी सी बेस है पी अपॉन बी क्या होता है टेन एंगल कितना है क्यूट फोर्टी फाइव बी सी वाई टेन फोर्टी फाइव वन एक्स की वैल्यू वाई इंटू वन वाई आ गया बेटा इक्वेशन नंबर वन अब दूसरी राइट एंगल ट्रैंगल में आ जाओ एबीडी में ए बी अपॉन बी डी कर लो ए बी अपॉन बी डी पर पेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थर्टी ए बी एक्स है बी डी कितना है थर्टी प्लस वाई है टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री है यहां से बच्चे एक्स की वैल्यू थर्टी प्लस वाई ऊपर चला गया नीचे रूट थ्री ये एक्स की वैल्यू आ गई टेक इट एस इक्वेशन नंबर टू इसको इसके नीचे करेंगे ठीक है इसके बाद फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वट इज दिस लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल ना यस yes और no, yes. यहां से बच्चे वाई की वैल्यू पहले तो इसके नीचे वन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो रूट थ्री वाई इज इकल टू थर्टी प्लस वाई रूट थ्री वाई है y साइड के माइनस हो गया किसके इक्वल थर्टी के यहां से y कॉमन व्हाट इज लेफ्ट रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू थर्टी अब y की वैल्यू फाइंड करनी है एज लाइक थर्टी रूट थ्री माइनस वन नीचे चला गया अब इस हमें y तो फाइंड करना नहीं था हमने तो x फाइंड करना था x और y क्या है आपस में फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो उसकी वैल्यू वोट इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लिख दो तो. है क्योंकि नीचे कभी रूट में नहीं छोड़ते नीचे ऊपर करेंगे थर्टी इंटू रूट थ्री प्लस वन आ जाएगा और नीचे बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा थर्टी रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू टू से फिफ्टीन आ गया अब इसकी वैल्यू फिल कर दो बच्चे टूट थ्री की वन पॉइंट सेवन थ्री टू ये तो याद ही होगी ना एड करके इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आंसर आ जाएगा बच्चे उतने मीटर दैट इज द हाइट ऑफ टावर या एक्स की वैल्यू फिर से देखे एक बार क्या करना है जो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं उसमें कॉमन साइड या इक्वल साइड फाइंड कर लेनी है अब कॉमन साइड ए भी थी ना दोनों में तो एबी की वैल्यू मैंने दोनों में से निकाल ली मतलब एक्स की वैल्यू दो इक्वेशन में से भी और इस में से भी दोनों को तो right इक्वेट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाली एक्स और वाई मतलब जो वाई की वैल्यू है चाहे तो इसमें फिल कर दो चाहे इसमें इसमें ज्यादा इजी है वहां फिल करेंगे तब भी यही आंसर आएगा यहाँ फिल करेंगे तब भी वही आंसर आएगा यहाँ पे ज्यादा बेटर है समझे बच्चे सेकंड फंडा क्या है इसमें समझ आया बच्चे बोलो सर हाँ जी बेटा ओके आई गॉट काफी समझ आएंगे अभी फर्स्ट सम था इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे कैसे कर दिया आ देखो सेकंड सम करते हैं इस फंडे से ना कभी मिस्टेक नहीं होगी तुम्हारी फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री एक ट्री की फाइंड हाइट फाइंड करनी है ये ट्री ड्रॉ कर लिया मैंने व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर

ये ट्वेंटी मीटर होगा डी पॉइंट ले लिया एंगल क्या हो गया थर्टी हो गया इसके टॉप का एलिवेशन दिस एंगल इज थर्टी क्या करना है हाइट ऑफ ट्री बिल्कुल फर्स्ट की तरह बन गया बच्चे इसको एक्स लेट कर लो इसको वाई लेट कर लो अब ये ट्वेंटी प्लस वाई ये राइट एंगल दोनों में से बच्चे एक्स फाइन है अब तू करवाएगी मुझे करवाओ क्योंकि एक करवा दिया तो तेरे को सारे सम आने शुरू हो जाएंगे एबीसी में क्या लिखू बच्चे मैं बोलो बेटा ए ए अपॉन अपॉन बी सी बीक्स टू टेन सिक्सटी टेन सिक्स एबीएक्स बच्चे बीसी वाई टेन सिक्सटी रूट थ्री एक्स इज रूट थ्री वाई यस

फर्स्ट ज्यादा बेटर है एक्स कितना आ गया रूट थ्री वाई की वैल्यू टेन है टेन रूट थ्री आ गया टेन इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू वी गेट सेवनटीन पॉइंट थ्री टू मीटर आंसर देयर फोर लास्ट में कर देना देर फोर हाइट ऑफ ट्री इज एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट थ्री टू होंगे बेटा कॉमन साइड या इक्वल साइड बस ये ध्यान में रखना थर्ड सम फिगर इज मस्ट विदाउट फिगर हमें जीरो मार्क्स मिलेगा और हम सॉल्व भी नहीं कर सकते फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग एक बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है लाइन toward, uh, it, uh, पहले याद था कोई बंदा उसका एंगल कितना था एलिवेशन थर्टी था कितने मीटर डिस्टेंस उसने इसकी तरफ कवर किया फोर्टी मीटर कवर किया तो एलिवेशन कितना हो गया, 45 हो गया. ये एंगल फोर्टी फाइव बन गया सेम क्वेश्चन बन गया बच्चे बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है इसको वाई लेट कर लो ये फोर्टी प्लस वाई वही फंडा दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में से कॉमन साइड फाइंड करके हो जाएगा यस नाउ द फोर्थ सम फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस हंड्रेड मीटर हाई एक लाइट हाउस है हंड्रेड मीटर हाई है ठीक है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व्ड टू फोर्टी एंड थर्टी इस तरफ बच्चे फोर्टी एंगल है इस तरफ अच्छा मैंने सेकंड पार्ट करना शुरू कर दिया बेटा चलो अपोजिट साइड मतलब जो लाइट हाउस है उसके अपोजिट साइड मैंने सेकंड पार्ट कर दिया फर्स्ट नहीं किया सेकंड की फिगर बना दी मैंने रीड नहीं किया था शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस ए बी सी डी वी हैव टू फाइंड दिस सिंपल है ना पहले भी आया था ये तो सम करके आ जाएगा दिस अपॉन दिस करके सीडी आ जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा ना yes. इसका फर्स्ट पार्ट बेटा लाइट हाउस है फिगर अलग से बनानी पड़ेगी फिर से, कि सेम साइड सेम का मतलब ये थर्टी सिक्स होगा ये फोर्टी एट होगा ये हंड्रेड है सिंपल है बीसी अपॉन ए बी बी डी अपॉन ए बी बी में से बी सी माइनस कर देंगे सी डी आ जाएगा हो जाएगा ये तो yes. ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना बीडी BD... so, जो so आपने थर्टी सिक्स लिया हम उसे फोर्टी एट भी ले सकते हैं नहीं, बेटा तो जितनी दूर जा, जाएंगे दूर से देखेंगे एंगल स्मॉलर होता जाएगा क्योंकि टॉप तो उस, okay. उसी प्लेस पे है okay. अब तू ये सोच तू कॉर्नर को अपने जिस रूम में बैठी है उसके कॉर्नर को देख रही है तेरी आई के साथ जो एंगल बन रहा है मान लो सिक्सटी है अब तू बिल्कुल उसके कॉर्नर के नीचे जाके देखेगी तो एंगल कितना होगा नाइन्टी बनेगा ना बोलो बिल्कुल ऊपर देखना पड़ेगा ना यस yes यस yes तो जितना इसके नजदीक यहां पे पहुंच जाएंगे एंगल और बड़ा हो जाएगा बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएंगे तो एंगल बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो नाइनटी के एंगल बनेगा जितना दूर और दूर जाएंगे तो एंगल और स्मॉलर हो जाएगा समझे फाइंड yes, हो जाएगा ना बेटा ये। फिफ्थ सम टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड आइदर साइड ऑन रोडवे एक रोडवेज है इक्वल हाइट दो पिलर खड़े हैं दोनों की हाइट इक्वल है इक्वल हाइट मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स है टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड मीटर वाइट इसकी वेथ कितनी टॉप के जो एंगल कितने कितने हैं सिक्सटी है और दूसरा थर्टी है हाइट ऑफ पिलर एंड द्वारे ए बी सी डी ये पी पॉइंट ले लेता हूं मैं एक तो हाइट ऑफ पिलर मतलब एक्स फाइन करनी है इसको वाई ले लें ये पीछे कितना रह जाएगा वन फिफ्टी माइनस वाई रह जाएगा yes or no? yes. अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स तो मैं दिख रही हैं बेटा yes, दोनों में कॉमन साइड तो कोई है नहीं बट इक्वल तो है ना Yes. तो दोनों में से एक्स फाइन कर लो एक्स अपॉन वाई टेन सिक्सटी एक्स की वैल्यू वाई टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री होती है फर्स्ट इक्वेशन यहां से बच्चे एक्स अपॉन वन फिफ्टी माइनस वाई टेन थर्टी एक्स की वैल्यू वन फिफ्टी माइनस वाई टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री होती है सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड को बच्चे सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी

तो उसकी पोजीशन फर्स्ट पिलर से आ जाएगी 37.5 मीटर सेकंड से माइनस कर दो 150 में से तो उसकी पोजीशन पॉइंट की सेकंड पिलर से भी आ जाएगी ना ये वाली और यहां पे फिल कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वो हाइट ऑफ पिलर आ जाएगी वही फंडा जो हमने फर्स्ट थ्री सम्स में किया था yes. आ, आया समझ बच्चे yes. अब उसके बाद सिक्सम हमें फिगर की है फिगर ड्रॉ करता हूं बेटा मैं जो फिगर की है हमें ये ट्वेंटी टू है ये फोर्टी सेवन है ए बी सी डी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी CD. सी डी की लेंथ फाइंड करनी है ना इसको एक्सलेट कर लेता हूं मैं. ये हमें फिफ्टीन की बने तो ये भी तो कितना होगा फिफ्टीन होगा ना जैसा नो ये भी एक्स हो जाएगा बोलो टेल मी फास्ट बच्चे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल अब ए बी अपॉन बी सी करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए बी सी राइट एंगल ट्रैंगल में ए बी अपॉन बी सी करके बेटा टेन फोर्टी सेवन टेन फोर्टी सेवन की वैल्यू देख लेंगे पीछे से ए बी बी सी ऊपर चला जाएगा फिफ्टीन टेन फोर्टी सेवन टेबल सिंपली 47 फोर्टी सेवन है मल्टीप्लाई कर लोगे ए बी की वैल्यू आ जाएगी फिर इस स्मॉलर राइट एंगल ट्रैंगल में ए डी e, में ई अपॉन ई करके ए की वैल्यू आ जाएगी बोलो आ जाएगी ना? की वैल्यू वो भी, भी से देख के लिख देंगे उसके बाद बी में से ए माइनस e कर देंगे तो एक्स आ जाएगा बीई e आ जाएगा ना वो इसके इक्वल है बेटा समझे कॉल कौन कर रहा है यार सम्झे? दो मिनट बिचे हो जाएगा बच्चे उसके बाद बी फाइंड ए बी माइनस ए करके कर लो गा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ इट टावर इज ऑब्जर्व टू बी सिक्सटी डिग्री टावर है किसी पॉइंट से इसका जो एंगल था वो सिक्सटी डिग्री था

Yes. What is AB? AB की वैल्यू कितनी आएगी माइनस एक्स दो राइट एंगल यस कॉमन साइट कॉमन साइड कौन सी है मैंने ये पूछा है तेरे से ए सी oh. इस ट्रैंगल की साइड है ए no. की तो तब तभी मैं पूछ रहा हूँ बेटा मुझे पता है ए बी कॉमन नहीं ए बी इसकी साइड है बड़ी ट्रैंगल की वो तो पार्ट है उसका मुझे कंप्लीट साइड चाहिए कॉमन या इक्वल वाई 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 वन वाई अपॉन थर्टी माइनस एक्स कर देंगे बेटा

हमने एक ही फंडा याद रखना है या तो कॉमन साइड कॉमन साइड का मतलब दोनों की कंप्लीट साइड होनी चाहिए पार्ट नहीं होना चाहिए उसका और इक्वल साइड कॉमन नहीं है तो इक्वल यहां पे देखो ये साइड इसकी इक्वल थी वाई वाई है तो वाई फाइंड कर रहे हैं हम दोनों में से ये सेम है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसको कहीं पर फिल कर दो मतलब हमने फाइंड क्या करना था हाइट ऑफ टावर हाँ और वाई भी फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में पहले पार्ट में उन्होंने हाइट ऑफ टावर पूछ लिया एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना जब इन दोनों को इक्वल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थर्टी रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स इको टू एक्स रूट थ्री एक्स उस साइड चला गया थर्टी रूट थ्री इज इको टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स एक्स कॉमन वन प्लस रूट थ्री इज थर्टी रूट थ्री एक्स की वैल्यू थर्टी रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री समझ गए बच्चे इसको रैशनलाइज कर लेना एक्स की वैल्यू आ जाएगी और उसके yeah. बाद इसमें या इसमें कहीं पे भी फिल कर देना सेकंड या फर्स्ट में यू गेट द वैल्यू ऑफ वाई वो सेकंड पार्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है ना दोनों के बीच में ओके यस सर एट सम फ्रॉम द्लिफ सिक्स टावर छोटा होगा उसके टॉप का एंगल और उसके बॉटम का एंगल यहां से बेस के पैर लाइन आर फाउंड टू बी थर्टी एंड सिक्स टॉप का एंगल थर्टी है और बॉटम का एंगल

तो है नहीं बट इक्वल है आया समझ yes. बट मैंने इसमें एक मिस्टेक की है क्या मिस्टेक की है जहां पे भी डिप्रेशन वर्ड आ जाता है बच्चे के अंदर लाइन यहां से पास करके ये एंगल ड्रॉ कर देने ऐसे ये होगा, ये थर्टी होगा ये फोर्टी फाइव होगा थर्टी तभी आएगा ना एंगल वहीं पे बनने हैं थर्टी एंड 60 डिप्रेशन का मतलब हमें यह पता चल गया कि टावर छोटा है क्योंकि तो यहां से इसके टॉप का डिप्रेशन था एलिवेशन बोला होता तो टावर बड़ा हो जाता समझे आया समझ? Yes. एलिवेशन। सन। hmm. hmm. अब इसमें दो पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट को अभी रीड नहीं करना क्योंकि सेकंड बार रीड कर लिया तो गलत हो जाएगा तुम्हारा तुम कर नहीं पाओगे ये टोटली रट्टाफिकेशन है इस सम के अंदर ए मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट यहां पे खड़ा है एक बोट को देखता है यहां पे एंगल कितना था उसका थर्टी डिग्री था विच इज सेलिंग टुवर्ड द शोर जो इस तरफ आ रही है बेटा इस तरफ आ रही है एरो लगा दिया मैंने कि यहां से इस तरफ आ रही है टू द पॉइंट दी बेथेम थ्री मिनट लेटर उसने इसको देखा था उसके बाद इधर उधर देखने लग गया थ्री मिनट के बाद देखा तो वो बोट यहाँ पे पहुंच चुकी थी और उसका एंगल जो था वो कितना बन गया था सिक्सटी क्योंकि वो बोट कॉन्टिन्यूसली चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे अज्यूमिंग दैट द बोट सेल एट यूनिफॉर्म स्पीड डिटर्मिन हाउ मच मोर टाइम ए बी सी डी सीडी का हमें सिर्फ टाइम पता है यहां पे मैं लाइन लिख देता हूं टाइम टेकन टू कवर सी डी इज इक्वल टू थ्री मिनट्स ये पता है और कुछ नहीं पता फाइंड क्या करना है कि सी से लेके बी तक कितना टाइम फाइंड करने मतलब कवर करने में कितना टाइम लगेगा सी बी कवर करने में बूट को और कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है इसमें कोई भी लेंथ नहीं गिवन ना बच्चे हमें सिर्फ सीडी को कवर करने का टाइम दिया हुआ है यही दिया है ना टोटली मैं पहले ही बोल रहा हूं रटाफन है एबी को मैं एक्स लेट कर लेता हूं बीसी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लो बीडी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लो सी डी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लो कैसे ये देखो इन सी बी सी अपॉन ए बी बी अपन पी कॉट सिक्सटी बी सी फाइन करना है एबीएक्स uh, है यह लेंथ हमारे पास एक्स अपॉन रूट थ्री आ गई उसके बाद आ जाओ बड़ी ट्रैंगल में इन ट्रैंगल एबीडी में बी डी अपॉन एबी कर लो अगेन कॉट बट एंगल इज थर्टी नाउ बी डी एज लाइक ए बी कितना था, X था? 30 की रूट होती है. ये पूरी साइड कितनी आ गई थ्री आ गई बच्चे CD find कर लेना। CD कैसे find होगा? BD में से बीसी माइनस करके बी डी माइनस बी सी बी डी हमारे पास एक्स रूट थ्री आया है BC हमारे पास एक्स है। दोनों का एल्शियम ले लिया रूट थ्री कितना बन जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एक्स माइनस एक्स सी डी की वैल्यू कितनी आ गई टू एक्स अपॉन रूट थ्री आ गई साथ में यूनिट लगा देना क्योंकि मीटर सेंटीमीटर सेकंड पार्ट में या फर्स्ट में नहीं है ठीक है हाँ, इमरीन छोटे होते ना हम एक सम्स किया करते थे कि फाइव पेन की कॉस्ट इतनी है थर्टीन पेन की कॉस्ट कितनी होगी याद है दैट इज कॉल्ड यूनिटरी उसको क्या बोलते थे यूनिटरी मैथड बोलते थे हम समझे yes. अब उसका ही यूज करना है हमने कैसे हमें सी डी को मैंने फाइंड कर लिया ना टू एक्स बाय रूट थ्री और फाइंड क्या करना है किस को कवर करने का तो टाइम टेकन टू कवर टू एक्स अपॉन रूट थ्री यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर टू एक्स अपॉन रूट थ्री यूनिट डिस्टेंस इजिकल टू थ्री मिनट्स दिया हुआ है ना हमें यहां पर देखो मैंने लिखा था तभी तो लिखा था समझे उसके बाद क्या करते थे टाइम टेकन टू कवर वन यूनिट डिस्टेंस क्या लिखू मीन यहां पर याद है? Root. जो रूट थ्री वो ऊपर चला जाएगा ना यस yes. अब हमें सीबी को कवर करने का टाइम फाइंड करना है सी डी की सीबी की वैल्यू भी एक्स अपॉन रूट थ्री है ना टाइम टेप कन टू कवर एक्स अपॉन रूट थ्री यूनिट डिस्टेंस थ्री रूट थ्री अपॉन टू एक्स इन टू एक्स अपॉन रूट थ्री ना रूट थ्री से रूट थ्री एक्स से एक्स कितना आ गया थ्री अपॉन टू दैट इज वन पॉइंट फाइव मिनट्स ओके और वी कैन से वन मिनट थर्टी सेकेंड्स लग गया पता yes. कुछ समझ आया बच्चे इसका मैंने ना ये पैरेलल किए हैं कि तेरे को थोड़ा सा फिगर दिखती रहे कि ये फाइंड किया हमने की 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 फॉर्म 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 में 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 ये में, में ये ये फाइंड कर कर लिया इसमें से दिया तो ये भी की में आ गया तू रूट को कवर जाएगा, जाएगा ये कैलकुलेट किया बेटा हमने समझे yes. सेकेंड पार्ट इसका स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड फाइंड करनी है 500 अब कहते हैं ये फाइव हंड्रेड मीटर हो तो उसकी बोट की स्पीड फाइंड करो कैसे करेंगे ये डिस्टेंस निकाल लेंगे या ये डिस्टेंस निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू तो हम फाइंड कर मतलब सॉरी बी डी अपॉन ए बी करके बी डी की लेंथ आ जाएगी नीसी निकाल लो बीसी ही निकाल लो बच्चे बीसी अपॉन ए बी करके बीसी आ जाएगा बोलो yes. तो बीसी क्या है बच्चे डिस्टेंस है ना इसको कवर करने का टाइम तो हमने फाइंड कर ही लिया है फाइव बाई टू मिनट्री बाई टू मिनट सॉरी कर लिया है ना yes. तो स्पीड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस ये आ जाएगा बीसी, ये भूल जाओ बीसी अपॉन ऑन ए बी करके बीसी की वैल्यू निकाल लेना बस अलग से ये दूसरा पार्ट मैंने पहले ही बोला था ना कि डिफरेंट है इससे फिगर यही बनेगी बट x और ये लेने की जरूरत नहीं है ये टाइम हमने फाइंड कर लिया इसका bc अपॉन ab करके bc की लेंथ आ जाएगी दैट इज द डिस्टेंस कवर bc को कवर करने का टाइम कितना था 3/2 मिनट्स हमने फाइंड किया था वो यूज कर लेंगे उसको सेकंड में कर लेना मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड ठीक है कर लोगे यस yes, सर नेक्स्ट वन सेम इसी टाइप का समय जो हमने अभी किया है टेनसम ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस ये है बेटा पहले उसका एंगल यहां पे 60 डिग्री था इसे दूर दूर जा रहा है इसकी हाइट कितनी दी है लाइट हाउस की 150 मीटर दी है दो मिनट बाद जो यहां पे पहुंच गया तो जो एंगल था वो कितना हो गया 45 हो गया। मतलब इसको कवर करने का टाइम दिया है हमें वही सेम क्वेश्चन ही बन गया। सी डी को कवर करने का टाइम टू मिनट है कर पहले ये टाइम निकाल लेंगे मतलब ये पता ही है बी डी अपॉन ए बी करके ये आ जाएगा बीसी अपॉन ए बी करके बीसी आ जाएगा इसमें से ये माइनस कर देंगे सी डी आ जाएगा सी डी डिस्टेंस आ गया टाइम टू मिनट है इसको second में कर लेंगे, 120 seconds हो जाएगा, तो उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला सी डी अपॉन वन ट्वेंटी कर देंगे सी डी की लेंथ हम फाइंड कर ही लेंगे ना बी डी अपॉन ए बी करके बीसी अपॉन ए बी करके ये दोनों आ जाएंगे इसमें से ये माइनस करके सीडी की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू अपॉन वन ट्वेंटी तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा कर लोगे yes. 11th. और समी बहुत है ए स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट इज सिक्स यहां पे था ये बैंक है ये आ, रिवर है उसकी वेट था वो रिवर की क्या देखता है एक ट्री खड़ा है उसका जो एंगल था वो सिक्सटी डिग्री था अपोजिट बैंक दूसरे किनारे पे इसके बाद क्या लिखा उन्होंने मीटर मीटर अवे इससे इधर चला गया एलिवेशन इज फाउंड टू बी थर्टी डिग्री बिल्कुल फर्स्ट नहीं बन गया देखो yes, अपने आप करोगे पूछे ठीक है बस इसमें दोनों चीजें फाइंड करनी है अकेला एक्स नहीं फाइंड करना मतलब ए बी नहीं फाइंड करना बीसी फाइंड करनी है ओके। okay. हो जाएगा ना यस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 75 मीटर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू अब मुझे टावर कौन ये नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है एक बार मैंने इक्वल से बना लिए द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 75 ये डिस्टेंस जो है वो 75 मीटर दिया हुआ है ठीक है द द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर टॉप ऑफ फर्स्ट ये फर्स्ट ये सेकंड ये फर्स्ट टावर है बेटा इस तरफ इस तरफ, तरफ सेकंड टावर है अब उन्होंने क्या बोल दिया देखो हमें पता चल गया कि सेकंड टावर बड़ा होगा क्यों द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट से सीन फ्रॉम बेस के लाइन पैरल ड्रो कर लेंगे एंगल कितना फोर्टी फाइव फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट आवर ये इसकी हाइट हमें गिवन है वन सिक्सटी मीटर नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई इसकी हाइट को एक्स ले लो ये एक्स आ जाएगा ये कितना रह जाएगा 160 सिक्सटी माइनस एक्स आ जाएगी बेटा वैल्यू इसकी ये फाइव है, 75 फाइव आ जाएगा अब निचले वाला पोर्शन भूल जाओ सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में देखो दिस अपॉन दिस 160 सिक्सटी माइनस एक्स अपॉन सेवनटी फाइव ये अपॉन बी फोर्टी फाइव कर यस yes, एक्सी वैल्यू निकालनी है वो आ जाएगी बिल्कुल इजी था नेक्स्ट नेक्स्टी द लेंथ ऑफ शेड ऑफ ए टावर ये टावर है

हमें आंसर दे दिया x को मैंने प्रूफ करना है y इंटू रूट थ्री प्लस वन की इक्वल प्रूफ करना है सबसे पहले bc अपॉन ए बी करके बीसी की वैल्यू निकाल लो बेटा bc सी अपॉन ए बी बेस अपॉन परुलर कॉट एंगल कितना दिया है फोर्टी फाइव दिया है बीसी अपॉन एक्स कॉट फोर्टी फाइव वन होता है bc की वैल्यू क्या आ गई x आ गई ये भी x आ गया ये पूरा कितना आ गया एक्स प्लस टू वाई आ गया अब बड़ी ट्रायंगल में एक्स अपॉन एक्स प्लस टू वाई कर दोन बी डी पेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थर्टी एबी कितना है एक्स है बी डी कितना है बेटा एक्स प्लस टू वाई है टेन थर्टी वन अपॉन रूट थ्री है एक्स की वैल्यू ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस टू वाई ये रूट थ्री साइड अब एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाओ माइनस एक्स इज टू वाई एक्स कॉमन रूट थ्री माइनस वन क्योंकि हमने तो ये आंसर दिया हुआ था कि इसके इक्वल प्रूफ करना है तो एक्स तो चाहिए ना हमें एक साइड पे एक्स अपने प्लेस पे टू वाई अपॉन रूट थ्री माइनस वन क्रॉस कर दो रूट थ्री प्लस वन से ऊपर

ये सारी कैलकुलेशन है है तो मेन यही पॉइंट बस इसके बाद तो अपने आप कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन ये है बेटा नाउ नेक्स्ट सम फोर्टीन एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली वन किलोमीटर अब द ग्राउंड

किलोमीटर जो एलिवेशन है वो कितना हो गया आफ्टर टेन सेकेंड दस सेकेंड बाद दस सेकेंड में वो यहां से यहां पहुंच गया हेलीकॉप्टर और जो उसका एंगल था वो थर्टी डिग्री बन गया फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन प्लेन इन किलोमीटर पर आर नेमिंग कर दो बेटा जैसे मर्जी कर दी अब स्पीड फाइंड करनी है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस हमें पता नहीं है टाइम हमें टेन सेकेंड्स पता है यहां से यहां तक जब तक ए की लेंथ नहीं आएगी बेटा ए डिस्टेंस कवर किया ना ने सेकेंड्स में तो ए निकालना है ए कैसे निकालेंगे ए सीडी के इक्वल है ना बोलो yes. इस ट्रैंगल में बेटा BC अपॉन ए करके BC आ जाएगा BC अपॉन ए करके BC की वैल्यू निकाल लेंगे कॉट 60 BC सी एज लाइक ए की वैल्यू वन किलोमीटर है कॉट 60 क्या होता है टेन 30 के इक्वल दैट इज वन बाय रूट थ्री बी की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन रूट थ्री आ गई बी डी अपॉन डी करके कौन सी ट्रैंगल में EDB में BD डी ED बेस अपॉन परपेंडिकुलर पेंडिकुलर 30 BD बी एज लाइक ED वन है बेटा cot 30 रूट थ्री रूट थ्री आ गया CD नाउ CD BD डी BC BD की लेंथ रूट थ्री है BC की वन बॉन रूट थ्री है एल्शियम रूट थ्री थ्री माइनस वन टू अपॉन रूट थ्री आ गया CD. ये है, में है ये रखना। अब स्पीड टेन सेकेंड यहां पे लिखेंगे टाइम टेन सेकेंड इसको कन्वर्ट करो आर में तो क्योंकि उन्होंने बोला है स्पीड को किलोमीटर पर आर में फाइंड करना है कन्वर्ट इट इनटू बोलो आर्मी कैसे कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में हो गया सिक्स और आर्मी हो गया एक जीरो काट दो क्या जा आ जाएगा वन अपॉन थ्री सिक्सटी आर ये आ जाएगा ना अब स्पीड फाइंड करनी है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस हम ऑलरेडी सीडी फाइंड कर चुके हैं सीडी डी इसके इक्वल होगा तो टू बाई रूट किलोमीटर आ जाएगा टू अपॉन रूट अपॉन टाइम वन अपॉन थ्री सिक्सटी ये लाइन है टू अपने प्लेस पे रूट थ्री नीचे चला गया वन अपने प्लेस पे थ्री सिक्सटी ऊपर चला गया इसको क्या कर लो रैशनाइज कर लो क्योंकि नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए आंसर टू इंटू थ्री सिक्सटी इंटू रूट थ्री और नीचे थ्री आ गया वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टूज टू फोर्टी टू फोर्टी रूट थ्री किलोमीटर पर आर रूट थ्री की वैल्यू फिल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पीछे आंसर क्या दिया रूट में दिया है कैसे दिया 22 सी है ना अब बी सॉरी बी का 14 टू बी का 14 डेसिमल में किया है तो 240 1.732 कर देना मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ये आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास लास्ट yes. सम

तो किलोमीटर मतलब सी डी की वैल्यू कितनी होगी mm. oh, yeah. नहीं समझ आया कि वन किलोमीटर क्यों लिया बच्चे जब तू स्कूल जाती है मतलब तेरे को छोड़ने जाती है एक प्लेस पे लिखा है कि देहरादून एक सोन पे लिखा होता है देहरादून है लो सपोज एक किलोमीटर कवर करने के बाद एक सोन और आता है वहां पे लिखा होता है देहरादून थ्री हंड्रेड नाइन किलोमीटर स्टोन इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ वन किलोमीटर हुआ ना अब यहाँ पे दो कंजेक्टिव किलोमीटर स्टोन है तो ये डिस्टेंस कितना होगा वन किलोमीटर होगा ना बेटा ईस्ट साइड में है मतलब एक ही साइड में ही

Yes. बोलो 3Y y, y y common, 3 -1, y रूट थ्री वाईकल टू वन प्लस वाई वाई वाली टर्म्स एक साइड पे वाई कॉमन रूट थ्री माइनस वन वाई की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन निकल जाएगा ना तो पहले स्टोन से डिस्टेंस आ जाएगा उसमें वन ऐड कर देना सेकंड स्टोन से आ जाएगा आया बच्चे समझ थ्री माइनस वन टू सीधा लिख दिया मैंने कर लोगे श्योर yes. sure है I'll try. बहुत हैं फिफ्टीन सम्स अभी yes, आगे ना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर एटलीस्ट मेरे को लगता है कि तुम ट्वेंटी वन सम्स है ना तो टेन टू ट्वेल्व सम अपने आप कर सकते हो बताऊं कौन कौन से कर सकते हो टिक लगवाऊ ट्राई करोगे इंदीन बोलो ओ, बेटा करवाऊं के नहीं टिक लगवाऊ फर्स्ट साम अपने आप कर सकते हो बच्चे थर्ड साम अपने आप कर सकते हो सेकंड मैं करवा दूंगा फोर्थ साम अपने आप कर सकते हो उसके बाद इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टींथ फोर्टींथ अपने आप कर सकते हो क्योंकि तो सेम टाइप के हैं सिक्सटींथ कर सकते हो सेवेंटीन कर सकते हो एटीन में बच्चे डी से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एटीन भी हो जाएगा नाइनटीन भी कर सकते हो ट्वेंटी कर सकते हो ट्वेंटी फर्स्ट भी कर सकते हो सिर्फ सेकंड सम फिफ्थ साम सिक्स सेवन्थ सम एट सम नाइन, 10 15th ये वाले सब मेरे करवाने वाले हैं बाकी तुम तो खुद ट्राई करो करोगे बच्चे ठीक है ओके okay. जो हमने फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस की हैं उन पे बेस्ड ही हैं ये सब ओके यू कैन ट्राई नहीं आएगा बच्चे मैं बैठा हूं ओके okay? okay. चलो ठीक है बेटा ओके okay, बाय